अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए आई डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो चलिए यहाँ पर हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर इस वीडियो में आप सीखेंगे कि घर पर ही हम नेट के कपड़े से लेस किस तरह से बना सकते हैं। व्लॉग छोटा है पर बड़े ही काम का है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना हमें नेट का कपड़ा चाहिए होगा, कोई भी नेट का पीस छोटा सा जो घर में बचा हुआ हो, या वैसे अगर आपको बाज़ार में पीसीस में मिल जाए तो आप उसको लेके घर पर बड़ी ही आसानी से लेस बना सकते हैं। घर पर बचे कुछ नेट के पीसीस से, या फिर अगर आपको बाज़ार में सस्ती नेट मिल रही है तो आप उनको ख़रीद कर अपने ड्रेस को डिज़ाइनर बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको इसकी फुल डिटेल दूंगी। तो यहाँ पर ये है जी नेट, और इससे मैं अब लेस तैयार करूँगी। तो इसे ना इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, सेट करेंगे, और तकरीबन जो लेस की चौड़ाई रखनी है ना, वो मैंने 4 इंच रखनी है, ठीक है। और 4 इंच रखने के बाद ना इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं जो इसकी चौड़ाई है 4 इंच है, और जो इसकी लेंथ है ना, वो हम अपने स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, कि जितने हमने खुले रखे होंगे ना बाजू, तो उसी हिसाब से हमने इसकी लंबाई लेनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं लेस के नीचे ना कपड़ा रख के लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जाहिर है फिर सर्दी लगेगी, तो उस सर्दी से बचने के लिए ना तो मैंने ना लेस के नीचे कपड़ा लगा दिया है। बिल्कुल भी फील नहीं होगा, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं लगा रही हूँ तो आप भी लगाएं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई लगाना चाहे तो वो देख सकता है। इस तरह से ना बिल्कुल 4 इंच की चौड़ाई में ना मैंने कपड़ा कट किया था, और इस तरह से लेस को ऊपर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जी आप ज़रा इसकी लुक देखें, बिल्कुल लेस की लुक में ही आ गया है कपड़ा। अब हम अपने स्लीव्स लेंगे जिस पर हम डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हैं, जिसे हम डिज़ाइनर स्लीव बनाना चाह रहे हैं। तो मैं जी सेंटर पर रख के लेस लगाऊंगी किस तरह से। अब देखें, जो उसका शुरू वाला कॉर्नर है और जो जॉइंट लेस वाला है ना, इन दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए इसे मैं सेंटर से कट कर लूँगी। इस तरह से 2 पीसेस में आ जाएगा, और जो डिफरेंस है ना जॉइंट लेस से कटिंग का, और कटिंग से शुरू वाले जो उसकी सिलाई है, जहाँ पर मैंने आपको डिज़ाइन पहले ही बना के दिखाया था, वो डिफरेंस सेम है, आप चेक कर सकते हैं। और अब देखें जी हम आगे क्या करने वाले हैं। ये है जी हमारी लेस। स्लीव का एक हिस्सा लेंगे जिसे अभी हमने कट किया है, और जो ये सीधी साइड है, सीधी साइड को हम रखेंगे नीचे वाली साइड पे लेस के साथ, और जो उसकी रफ साइड है ना, इसे हम ऊपर रखेंगे, और इस तरह से सेट करके ना हम इसके सिलाई लगाएंगे। 1 पाउंड का डिफ्रेंस रख के ना हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जी हम सिलाई लगाने लगे हैं इस तरह से, देखें। और बिल्कुल सेम ऐसे ही हम स्लीव की दूसरी साइड जो है, जिसे हमने कट किया था, उसे भी हम इस तरह से लेस के साथ अटैच कर लेंगे। जो रफ साइड है ना, वो हम ऊपर रखेंगे। जो आप देख रहे हैं ये ऊपर रफ साइड है, जो सीधी साइड है स्लीव की, वो नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने लेस को स्लीव के साथ अटैच कर लिया है। अभी जी एक और काम है, वो क्या है जी, तो चलिए यहाँ पर ना हम नेट के साथ का हम धागा लेंगे, और किनारे किनारे पे रख के ना हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। क्यों लगानी है, ताकि जो हमारी लेस है वो, और जो इसके नीचे कपड़ा लगाया है, वो एक ही रहे, और लेस हमारी आगे पीछे ना जाए, दब जाए सिलाई के साथ, बिल्कुल नीट सी इसकी लुक आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से किसी भी चीज़ का यूज़ करके हम लेस को अंदर की जानब करके इस पर सिलाई लगाते जाएंगे किनारे किनारे पर, और जो सिलाई होगी वो हमारी नीट होनी चाहिए, ताकि हमारा काम जो है अच्छा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे, अच्छे से कपड़े को सेट करेंगे, आगे पीछे जो भी होगा उसे हम ठीक करेंगे। और इस तरह से ठीक करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ज़रा आप स्लीव चेक कीजिएगा, आपको खुद दिखेगा कितना अच्छा नीट काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। यहाँ पर जी बड़े ही प्यारा खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइनर स्लीव बनके रेडी हो चुका है। आप भी घर पर नेट का यूज़ करके डिज़ाइनर स्लीव जरूर तैयार कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दौर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।